Hey guys, welcome back to my channel, Smiley Sonam again. So, जैसे कि आंखों के नीचे काले थब्बे या काले घेरे किसी को भी नहीं पसंद। आजकल देखिए डेली बिजी लाइफ में हम इन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं एंड ऑलमोस्ट हर किसी को डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है एंड हर किसी को आंखों के नीचे डार्क सर्कल है। सो इसी के बारे में आज मेरे वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सो गो अहेड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं डार्क सर्कल के बारे में कि ये क्यों होते हैं, इसके क्या रीजन से है। मैं आपको दो रीजन देने वाली हूँ। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन है, देखिए सबसे ज्यादा है स्ट्रेस, फिर लैक ऑफ स्लीप, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम होना, मोबाइल पे लगे रहना और स्क्रीन को देखते रहना एंड जैसे कि वर्क प्रेशर। सेकेंड जो बहुत जरूरी प्रॉब्लम है वो है एजिंग। देखिए एजिंग तो हर किसी को होती है बट साथ ही साथ हमारा लाइफ स्टाइल भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि सन एक्सपोजर, हम धूप में निकलते हैं, धूप को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है डार्क सर्कल के लिए। तो ये दोनों रीजन के प्रॉब्लम के सल्यूशन मेरे पास है न्यूड का कैरेट सीड अंडर आई क्रीम। तो इट्स अंडर आई क्रीम जो कि इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन इसकी पैकेजिंग है। इसका आप ट्यूब देख सकते हो, बहुत ही क्यूट सा ट्यूब है इस तरीके से एंड यहाँ से ये क्रीम ऐसे निकलती है, पुश करने से क्रीम यहाँ से निकलती है। सो कैरेट सीड में होता है विटामिन ए, कैरोटीन्स एंड कैरोटिनाइड्स जो हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है। कैरेट सीड इज वाइडली यूज इन अरोमा थेरेपी बिकॉज इसका जो वुडन स्मेल है एंड साथ ही साथ ये आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को भी दूर करता है। ये सारी चीजें आपको मिलती है न्यूड कैरेट सीड अंडर आई क्रीम में। अभी हम बात करेंगे हमारे सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर, सेकंड प्रॉब्लम का सलूशन जो कि हमारा अनदर प्रोडक्ट विच इज फ्रॉम न्यूड बट दिस इज अ गोट मिल्क अंडर आई क्रीम। तो ये बेसिकली जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने बताया है ये उन लोगों के लिए ये क्रीम है जो कि गोट मिल्क से बना हुआ है। गोट मिल्क जैसे कि इट इज कम्प्लीटली लोडेड विद AHA दैट एक्ट एज अ नेचुरल एक्सफोलिएटर जो आंखों के नीचे आपके जो डेड सेल्स हो जाते हैं ना उन्हें ठीक करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि जो सेल्स मर चुके हैं आपकी आंखों के नीचे जो डेड हो गए हैं उसे रीग्रोथ करने में आपकी मदद करता है। टाइनी फैट ग्लोब्यूल्स इन गोट मिल्क मॉइस्चराइज योर स्किन डीपली टू हेल्प प्रिवेंट योर ड्राई स्किन। गोट मिल्क इज ऑल्सो रिच इन सेलेनियम विच न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स स्लो डाउन द साइन ऑफ एजिंग। ये क्रीम आपके डार्क सर्कल को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, स्पेशली वैसे डार्क सर्कल जो एजिंग की वजह से होता है, सन एक्सपोजर की वजह से होता है। जैसे कि एजिंग की वजह से अगर आपने नोटिस किया होगा अंडर आईज के साथ साथ बैगिंग हो जाता है, आई बैग्स पफिनेस आ जाते हैं एंड साथ में फाइन लाइन्स भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को रिड्यूस करने में गोट मिल्क सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट हाउ टू यूज दिस क्रीम विदाउट पुलिंग और टैगिंग योर स्किन बिकॉज उसके वजह से ही रिंकल्स और डार्क सर्कल ज्यादा बढ़ते हैं। टेक अ हाफ पंप ऑन माई फिंगर, क्रीम निकालना है आपको इस तरह से। रब माई फिंगर्स अराउंड माई आईज ऑफ द क्रीम यू कैन अप्लाई एट द बॉटम ऑफ द आईज एंड फिर आपको टॉप पर लगाना है। सो इस तरह से ये एक सी शेप बन जाता है एंड आप ऐसे सर्कल राउंड में अपने मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर से आप इसे अच्छे से मसाज दे सकते हैं बिकॉज इट हैज अ वेरी जेंटल प्रेशर। आपको मसाज करते रहना है अंटिल इट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड द वर्क इज डन। सो गाइज हियर आर द टू सॉल्यूशंस फॉर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डार्क सर्कल प्रॉब्लम जो आपको आई एम श्योर के ये प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अच्छे लगे होंगे। किसी किसी को पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं तो आपको मैंने इस वीडियो में वो भी बता दिया है कि प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं डार्क सर्कल के। सो चूज अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न, आपका कंसर्न जो है उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए। नीचे दिए गए लिंक पर आप जाइए एंड यू कैन परचेज द प्रोडक्ट एज पर योर कंसर्न। प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन Amazon एंड Flipkart। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई एम श्योर यू लाइक द वीडियो गाइज एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है उसके अलावा आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय।